नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिस्टर बॉक्स ऑफिस वाला में। तो दोस्तों, पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और इसको रिलीज हुए आज पांचवा दिन है, लेकिन इस मूवी के जो तीन दिनों का जो कलेक्शन है 300 करोड़ रुपये आराम से हो गया है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या ये मूवी 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है? तो आराम से कर सकती है, ये आंकड़े बता रहे हैं जो एस्टिमेट्स नंबर से निकल कर सामने आ रहे हैं कि 5 दिनों में ही ये मूवी अपना 500 करोड़ का जो कलेक्शन है वो कर लेगी। 500 करोड़ रुपया ग्रोस वर्ल्ड वाइड में ये आराम से कमा लेगी। अगर ऐसा होता तो ये यशराज बैनर और शाहरुख खान के करियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवी बनकर सामने आती। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हिंदी ऑडियंस में, यानी कि नॉर्थ की साइड में, जो हिंदी में सबसे ज़्यादा जिसने 3 दिनों में कमाई की थी वो थी सुल्तान मूवी, जिसने 216 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। उसके नीचे था KGF चैप्टर 2, जिसने 170 करोड़ रुपये की कमाई की थी। लेकिन इसके ऊपर एक नाम और जुड़ चुका है, उसका नाम है पठान, और जिसने 310 करोड़ रुपए की कमाई की है वर्ल्ड वाइड में सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में। और आप देख सकते हैं अब इसका जो मेन माइलस्टोन है, जो मेन टारगेट है, क्या शाहरुख खान की मूवी पठान 500 करोड़ रुपए की कमाई आगे कर सकती है? तो यही सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरह से नंबर इसके सामने निकल कर आ रहे हैं, पांचवें दिन की बात करूं तो 32 से लेकर 33 करोड़ रुपए की कलेक्शन जो एडवांस हो चुकी है, और वही चौथे दिन की बात करूं सैटरडे के दिन भी, तो 50+ करोड़ रुपए की कमाई इसने कर ली है। तो ये आराम से कमाती हुई नजर आती। बाकी तो आपको क्या लगता है, आपका टेक क्या है, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब।